खबर उन्नाव उत्तर प्रदेश है। जनसेवा केंद्र संचालक के साथ लूट करने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। टाइम के न्यूज चैनल के लिए मोहम्मद इरफान खान बागेट उन्नाव। दिनांक 22 तारीख को रात्रि लगभग 9:45 के बजे सूचना मिली कि शिवम वर्मा जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं दुकान बंद करके अपने घर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में सफ़ेद अपाचे सवार लोगों को मारे हुए थे। इन्होंने इसकी इनके साथ घटना को पाई। जबकि सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और बाकी ट्रेडिशनल स्पेशल इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल 5 टीमों का गठन किया गया। इसमें इंस्पेक्टर दही, इंस्पेक्टर कोतवाली, एसओ अचलगंज, एसओजी और सर्विलांस की टीमों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। तमाम अच्छे सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से इस घटना का खुलासा किया गया। इस घटना को पारित करने वाले इसमें 5 अभियुक्त हैं, 1 नाबालिग है। इन 6 लोगों ने घटना को पारित किया था, जिसमें आज 2 गाड़ियाँ जो घटना में सफेद अपाचे और एक हुंडा साइन इसको बरामद किया गया है। हुंडा क्या ब्रेक बरामद किया गया है और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। इसमें आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 1 अभियुक्त को अभी फरार है। गिरफ्तारी इनमें से 2 अभियुक्तों का अभी आपराधिक इतिहास पता चला है, जिसमें अंकित और अंशु इन दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। इसमें एक बाल अपचारी है और